मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जहाँ पे जिन लोगों से उनकी मुस्कुराहटें छीन ली जाती हैं उनको वापस उनकी मुस्कुराहटें दिलाता है। आई मीन टू डिप्लेक्स स्माइल अगेन फाउंडेशन, और इसके हवाले से डिटेल्स मैंने आपको बता दी। तो यहाँ पे कुछ प्यारी सी खवातीन हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे चल के अभी बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नौरीन। नौरीन, और आपका? अमतुल इस्लाम। अमतुल इस्लाम, इनका नाम तो बहुत प्यारा है। आपका क्या नाम है? रिफत। सही हो गया। और आपका? हुमेरा इशफाक। आप पे एक्सीडेंटली गिरा था? बस वो खेल में आग खेल रहे थे। अच्छा, तो आग लग गई, तो जलने के बाद जो मुश्किल है ना वो बड़ी मुश्किल होती है, ना कहीं काम मिलता है ना कहीं जॉब मिलती है। जलने के बाद ये जो फेस है ना ये बहुत करना पड़ता है। तो स्माइल फाउंडेशन की वजह से मुझे कहते कोई हार्ट का होना मिल गया। अच्छा, अब मैं शेफ का कोर्स कर रही हूँ, अब मैं कहीं जॉब भी कर रही हूँ। वाह वाह। कि जहाँ भी जॉब लेने जाओ कहते जले आप, तो हम नहीं आपको जॉब पर रख सकते। ये ज़्यादा ये मुश्किल होती है, अगर इंसान चल तो गया और ये दुनिया को फेस करना बड़ी मुश्किल काम है। बिल्कुल ऐसी। तो आपने शेफ का प्रॉपर कोर्स किया? मैंने किया। अच्छा, तो क्या सबसे अच्छा आपको क्या बनाना आता है? मतलब ऐसे तो बहुत कुछ बनाना आता होगा। हाँ, स्पेशल है कि ज्यादा लोग कढ़ाई में ज्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, कढ़ाई, व्हाइट कोरमा, हांडी, बिरयानी, ये चीजें काफी लोग खाते हैं। तब सोच रही हूँ अपना बिजनेस करूँ, जिंदगी में कुछ भी हो जाए आपकी हिम्मत ही जो दुनिया कह रही थी दुनिया ने छोड़ ही दिया कि आप कुछ नहीं कर सकते, घर बैठो बस, दुनिया क्या कहेगी आपके बारे में, बस। असल पावर सिर्फ आपका चेहरा नहीं ना होता, आपकी स्किल्स होती है, आपका हुनर, आपकी हिम्मत होती है। मैं कहती हूँ मुझे शौक भी था सीखने का, पर कोई सिखाता नहीं था, पर स्माइल फाउंडेशन की वजह से उन्हें सिखाया भी, अब जॉब भी है, अल्लाह का शुक्र। आप सबने मिलकर बनाई है? ये हम सबने मिलकर बुलाए हैं, और फिलहाल मेरा तो अपना खुद का सैलून है, तो अच्छा? मैंने यहीं से डिप्लोमा लिया है, तो अब मैं अपना खुद का पार्लर चला रही हूँ। तो मुझे बताएं आपकी एज क्या है? आप बार बार पूछ रही हैं। नहीं, मुझे आप बताएं, मैं लोगों को राज बताना चाहती हूँ। 42। नहीं, असल वाली बताएं ना। असल वाली ही बताएं। आप बताएं ना असल वाली, क्या 25 की हैं? आप खुद देख लें कहाँ से 42 की लगती हैं। लड़कियां अपनी छोटी उम्र बताती है, लेकिन मैं अपनी रियल बता रही हूं। इसीलिए तो कह रही हूं, मुझे लग रहा है ज्यादा बता रही है। मुझे फिर अपनी ये जो स्किन इतनी अच्छी है आपकी, मुझे इसका राज बताएं। कुछ भी नहीं। नहीं, कुछ तो है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप पार्लर का आपने इसीलिए किया है ना, ताकि आप अपने स्किन का अच्छा कर ले, मेरी भी स्किन का कर दे, ताकि मैं भी 42 की जब हूँ तो मैं भी ऐसे ही कहूँ कि नहीं मैं तो यंग लग रही हूं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपने चेहरे पे बस मसाज करती हूं और कुछ। अच्छा, नहीं माशाल्लाह आपके स्किन, यू डोंट लुक Like you are 42, कहीं से आप 42 की नहीं लगती। और ये मुझे अपने बच्चों को बता रही थी, इनकी जो सबसे बड़ी बेटी है वो 24 साल की है। ऐसे कैसे हो सकता है, 24 साल की तो आप खुद हैं। नहीं, ये झूठ है। अच्छा, तो बेटियां क्या करती हैं आपकी? बेटियां मेरी एफए किया है दोनों ने। अच्छा, और एक 9 के पेपर दे रही है। तो जिनको वो हुआ था बाजू पे, वो उनका सारा ठीक है अभी? हाँ, उनकी छींटे थी तो ये उनकी ठीक है, क्योंकि वो सर्दियों के दिन थे तो कोट पहना हुआ था, तो बचत हो गई थी उनकी। अच्छा अच्छा, तो अभी फिर आप ही सपोर्ट करी होती हैं अपनी? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपने बच्चों का खुद ही कर रही हूँ। और बेटियाँ किस तरह से आपको सपोर्ट करी होती हैं? बच्चियाँ घर में ट्यूशन पढ़ाती हैं, और अच्छा, मैं बाहर पार्लर में होती हूँ, तो बच्चियाँ घर का सारा करती हैं। सही सही। अच्छा, मुझे आपने वो तो बता दिया कि कितना मुश्किल टाइम था, एक तो वैसे जलन, इतनी तकलीफ, और फिर उसके बाद आप इंटरनली जो फील कर रहे होते हैं, और फिर दुनिया जिस तरह से वो बता रही थी कि दुनिया जो है ना वो नहीं आपको बख्शती, कुछ ना कुछ सुनाती रहती, कहती रहती है, लेकिन आप माशाल्लाह वो लोग हैं जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, एंड यू गाइस आर डूइंग माशाल्लाह ग्रेट। वो रिक्शा चला रही हैं, ये जो है ये सारी चीज़ें बना रही होती हैं, आपने अपना सैलून खोल लिया है,
तो अब कैसे महसूस होता है, वो हिम्मत कैसे आई एक चीज से गुजरने के बाद कि नहीं अब करना है कुछ? वो हिम्मत इस तरह आई कि जब हम डुप्लेक्स में आए हैं ना स्माइल अगेन में, तो हमने जब पहले तो हम कमजोर ही थे, जाहिर सी बात है घर के अंदर तो हमें लगता था सिर्फ एक हम ही हैं। जब हम यहाँ आए ना और हमने अपने से बढ़कर देखा है, तो फिर हमने कहा नहीं अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है हमारे हाथ सलामत है। अल्लाह ने एक अल्लाह चाहे तो दूसरी भी जा सकती थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैं दुनिया देख रही हूँ और अपने हाथों से मेहनत कर रही हूँ, अपने बच्चों का पेट भर रही हूँ। यहाँ से भी हिम्मत आई उन लड़कियों को देख कर के, बहुत जली हुई हैं, पूरे पूरे जिस्म जले हुए हैं, मेरा तो फिर फेस है, मेरे हाथ सलामत हैं। फिर बच्चियों के लिए मुझे खड़ा होना था कि मैंने अपने बच्चों का करना है, तो इस वजह से भी हिम्मत आई। फिर बच्चियों ने भी मुझे हौसला दिया, तो वहाँ से भी कुछ हिम्मत आई है। तो और सबसे बड़ी बात, अगर अल्लाह साथ है तो फिर कुछ भी नहीं। बिल्कुल, ऑनेस्टली मेरे चेहरे के, पता नहीं आपको नजर आ रहे, मेरे चेहरे तक के रोंगटे खड़े हो रहे हैं आपकी बात सुन के, कि हम छोटी छोटी चीज़ों पे इतना परेशान हो जाते हैं और हमें लग रहा होता है कि पता नहीं कौन सी परेशानी जो है उसके पहाड़ हमारे पे जो है वो गिर गए हैं, लेकिन आपने इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें फेस करके भी माशाल्लाह सो स्ट्रांग और इतनी पॉजिटिव बातें करी हैं, तो मुझे तो बहुत मज़ा आया आप लोगों से बातें करके। आई लव बीइंग विद यू गाइस। आप सबने गजरे पहने हुए हैं कि ईद की तैयारियां करें कि किसी की शादी है? मुझे भी गजरा पहनना है। आप अपने पाँव पे, आप ये लोग तो हम काम करते ही हैं, लेकिन अगर आप और कुछ काम करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमें बताया कि ये किस तरह आप एक थोड़े से काम से 2000 से आप शुरू करें, तो उससे आप काफी हद तक सही सही ला सकते हैं। 5000 का बिकता है। अच्छा हाँ। बस मुझे तो फिर अपनी कस्टमर समझें, क्योंकि हाँ। इतना खूबसूरत अपने सेट बनाया हुआ है, लेकिन ये इस कलर में नहीं, मैं किसी और कलर में आपसे हाँ, कलर आपको मिल जाएगा है ना, ये मेहंदी वाला कलर है, दोनों अच्छा है। किसी भी कलर में जैसा सूट है वैसा आपको मिल जाएगा। वाह वाह क्या बात है। अच्छा, तो अभी आपने ईद की मतलब तैयारियां शुरू कर दी हैं, गजरे शजरे पहने हुए, सबने फूल भी रखे हुए, मिठाई भी पड़ी हुई है सही, और वो ज्वेलरी वो भी सेल करने के लिए रखी हुई है? नहीं, ये भी हमने लगानी, अपने लगानी है, ब्रोच हमने लगाने हैं अपने दुपट्टों में। ओ, फुल तैयारियां मतलब सही सही, तो रमजान का भी ऐसे एहतमाम कर लिया? हाँ जी, रमजान का भी, क्योंकि मेरा तो पार्लर है, तो मैं ज्यादातर टाइम पार्लर में देती हूँ। सही है, तो अब ये है कि ईद में पहले दिन थोड़ा घर में मसरूफ होंगे, चांद रात होगी, तो थोड़ा सोके गुजारूंगी। घर में कौन कौन होता है? घर में मेरी बेटियां और मैं। आपकी बेटियां और आप? हाँ। मतलब जिससे बता दी तब आपके पेरेंट्स के साथ थी, तो भी अपने अपने पेरेंट्स के साथ नहीं होती है? नहीं, मैं ससुराल में मेरे कोई है नहीं। अच्छा, तो हस्बैंड एक इकलौते ही थे, तो फुफी थी मेरी, तो फुफी और फूफा दोनों की डेथ हो चुकी थी, तो जब मेरे साथ ये हादसा हुआ, मियाँ ने छोड़ दिया, तो मैं अपने शुरू से अपनी बच्चियों के साथ ही अकेली सेपरेट रहती हूं। अच्छा, सही सही, तो उन्हीं के साथ ईद सेलिब्रेट करती हूं, उन्हीं के साथ करती हूं। अच्छा अच्छा, तो आप अपनी ईद कैसे मनाती हैं? आजकल तो कपड़े में सिलाई करनी है। वाह, ते थोड़ी बिजी हूँ, घर कपड़े सिलाई करने हैं। साड़ियाँ सी लेती हैं? हाँ, साड़ियाँ सी लेते हैं, फ्राकें सी लेते हैं। मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे सिलवाऊंगी। जरूर। अच्छा, सही सही, तो भी आजकल तो फिर बड़ा खासा अच्छा खासा काम होगा, क्योंकि ईद आने वाली है ना। अच्छा, सही सही, ठीक है। और आपके घर में कौन कौन होता है? मेरे बच्चे होते हैं। मैम, कितने बच्चे आपके? 3 बेटियाँ, 1 बेटा। एक बेटी की शादी कर दी थी, 2 छोटियां बेटियां, 1 बेटा है। अच्छा, आपने अभी मेहंदी लगाई है, क्योंकि ये मेहंदी भी पड़ी हुई है यहाँ पे। सही है, तो आपने भी, मैं देख रही हूँ आपके हाथ में भी लगी हुई है। अच्छा अच्छा, सही सही, तो आप ईद कैसे मनाती हैं? ईद अच्छी गुजर जाती है। अच्छी गुजर जाती है, तो अभी मेहंदी नहीं लगानी आपने? नहीं, मेहंदी लगानी है। क्यों लगानी है? सीने मेहंदी लगा के फिर आप काम पे जाएगा सब। अच्छा, आपको लगा दूं मेहंदी? अच्छा, नहीं सही है फिर, चूंकि मुझे लगानी आती है मेहंदी, तो ऐसे तो वैसे कभी मौका नहीं मिलता है, घर में छोटे बच्चे ही हैं, तो उनको कभी कभार कजन्स को मौका मिल जाता है मेहंदी लगाने का, लेकिन अभी उन्होंने कहा है कि उनको मेहंदी लगा लूं, तो फिर उनको मेहंदी लगा देती हूं।